अस्सलामुअलैकुम, आप सबका रुबाज और इमान किचन में एक बार फिर वेलकम है। आज हम हमारे किचन में बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसका नाम है पैनकेक रोल्स। तो हमें उसके लिए सबसे पहले चिकन का बैटर हम रेडी करते हैं। तो हमें चिकन चाहिए, यहाँ लिया मैंने 300 ग्राम चिकन, साथ में 1 टेबल स्पून सोया सॉस, नमक 2 टी स्पून, फिर यहाँ लिया है 2 से 3 टी स्पून ऑरिगेनो पाउडर और 1 टी स्पून काली मिर्च। ये मैंने लिया है तेल, मतलब के 3 टेबल स्पून जितना के तेल तो आप थोड़ा सा ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे ब्राउन करेंगे हल्का सा, मतलब पाउडर करते हैं ना। इसका जो चिकन है ना, ये नॉर्मल चिकन की तरह नहीं बनेगा, इसका चिकन व्हाइट सॉस के अंदर बनेगा। तो आप देखते जाइए ये कैसे बन रहा हम, और ये देखिए चिकन को ऐसे मैंने लंबा लंबा काटा था, तो आप भी लंबा लंबा काट दिया। अब हम सोया सॉस डालेंगे, नमक, ऑरिगेनो पाउडर और काली मिर्च, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। डाल देंगे टिक्का मसाला 1/2 टेबल स्पून, उससे भी कम डाल सकते हैं आप। ये देखिए चिकन पक चुकी है, और अब हमें क्या करना है, चिकन में व्हाइट सॉस जब हम डालेंगे इसलिए हमें चिकन को थोड़ा सा ड्राई रखना है। तो ये देखिए तकरीबन ये ड्राई ही है, तो अब हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे। जब हम बना रहे हैं व्हाइट सॉस चिकन के लिए, तो जो व्हाइट सॉस के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो वैसा ही व्हाइट सॉस बनेगा जैसे हम पहले हमेशा बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया 1/2 कप दूध, 1 1/2 टेबल स्पून मक्खन, इसमें 1 1/2 टेबल स्पून मतलब 3 टेबल स्पून हमें मक्खन और तेल मिला के चाहिए, और यहाँ पे लिया है 1 टी स्पून, 1 टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा है ऑरिगेनो पाउडर, 1/2 टी स्पून काली मिर्च, नमक, और लिया है यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैदा। तो यहाँ मैंने मक्खन और तेल को मिक्स कर लिया, और ये मक्खन भी पिघल गया, ठीक है। हमें रूम टेम्परेचर चीजें चाहिए थी, और इसको हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे मैदा आहिस्ता करिए, ओके। क्योंकि ये मैंने लिया 2 टेबल स्पून है, बट हमें ऐसे देखना है कि जिससे स्मूथ सा पेस्ट, जब हम इतना डालेंगे कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, ओके। दिख रहा होगा ये आप, क्योंकि ये एक थिक सा बैटर भी बन गया है और ये स्मूथ है, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध, ठीक है, और हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से कि सारे लम्स खत्म हो जाए। तो अभी ना इसमें मैंने 1/2 कप दूध और डाला है, क्योंकि ये बहुत थिक हो गया, तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक नहीं रखनी पर इतनी रखनी, ठीक है। अब हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर रखेंगे ताकि और थिक ना हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे ऑरिगेनो, ठीक
आसानी से कर लेंगे। और ये व्हाइट सॉस रेडी हो गया है। अब हम इस व्हाइट सॉस को सारे के सारा चिकन के अंदर डाल देंगे। ओके, मैंने आपको बोला था ना कि हम चिकन को डिफरेंट तरीके से पका रहे हैं। ये मिक्स हो गए। इसी वजह से हमने चिकन का पानी बिल्कुल खुश कर लिया था। ओके, ये देखिए, ये हो गया हमारा चिकन रेडी। अब हम बनाएंगे पैनकेक्स का बैटर। अब हम चिकन में डाल देंगे शिमला मिर्ची और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने लंबाई में काट के एक शिमला मिर्ची बड़ी वाली ली है। अब हम बनाएंगे पैनकेक्स के लिए बैटर। तो उसके लिए हमें चाहिए, यहाँ मैंने लिए 3 अंडे, इसको मैंने बीट कर लिया, मतलब हाथों से फेंट लिया। उसके लिए लिया मैंने 1 कप मैदा और 1 कप दूध। मैदा आप जितना लेंगे उतना ही आपको दूध लेना। और यहाँ लिया है नमक 5 डिजर्ट। हमने अच्छे से मिक्स करना, उसके अंदर हम डाल देंगे नमक। ठीक है, और अब हमें डालना है मैदा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि कोई लम्स ना। ये देखिए कितना स्मूथ बैटर बन गया है। ठीक है, ये देखिए मैंने तेल ब्रश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये ना मैंने लिया 1/3 कप। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब हम इसको इस तरीके से डालेंगे और इसको हमें फैलाना है। ठीक है, इसके बैटर को, और जो फ्लेम है हमारी वो होगी मीडियम। ठीक है, इसको हमें सर्कल बनाना है। वैसे ये खुद भी फैल जाता है, बट आप इसे आराम आराम से खुद फैलाएंगे तो भी बेटर है। बिल्कुल हल्का हल्के हाथों से। तो देखिए, जब ये ऊपर की लिप ठीक हो जाएगी ना, आप ऐसे टच करेंगे तो ये चीज नहीं आएगी कि देखिए आपको ये मिक्सचर दिख रहा है ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये पक गया ऊपर से। थोड़ा फ्लिप करना, तभी हमें इसे पकाना है कि ये ऐसे टच करे ना तो होना है। ये देखिए, आपको हाथों नहीं आ रहा, मतलब कि ये पक चुका है। अब हमें इसे फ्लिप करना है। ओके, यहाँ से लेंगे और ये रोज ना बहुत बड़े नहीं होते हैं, नॉर्मल साइज के होते हैं। इस तरीके से अब हम सारे रोल्स तैयार कर लेंगे, मतलब पैनकेक्स तैयार कर लेंगे। अब हम बना रहे गार्लिक सॉस। हमने इसके लिए लिया 1/2 कप मायनीज, ये लिए 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। गार्लिक ले लेना है तो आप नीचे ना लहसुन भी ले सकते हैं। ओके, अब और यहाँ लिया नमक 1/2 कप और 1 टीस्पून काली मिर्च। अभी हम सब एक एक करके इसमें डाल देंगे। और ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा गार्लिक सॉस रेडी हो गया है। क्या अब हम असेंबल करेंगे। अब हम डालेंगे सॉस। ओके, इसको नीचे से लगाएंगे। अब डालेंगे चिकन और उसको रोल कर देंगे। ठीक है, अब क्या, क्योंकि ये वैसे रोल तो नहीं, अगर आपको ऐसा लगे ना कि ये रोल नहीं हो रहा, ये तो देखिए ये रोल हो गया, बट कुछ छोटे होते ना तो रोल नहीं होते, तो आप इसमें स्टिक डाल सकते हैं। फिर
तो ये देखिए हमारे पैनकेक रोल्स रेडी हो गए। अब अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही बेल आइकन दबाना है जो सब्सक्राइब के बटन के आगे होता है, उससे आपको अपडेट मिलेगा कि मैं कब अपनी न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ। साथ ही आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको दूसरी नई नई रेसिपीज कौन सी सीखनी है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।